असलम स्टूडेंट्स आई एम वसीम इक्राम दिस इज़ दी फोर्टी फोर्थ लेक्चर इन ए सीरीज ऑफ़ फोर्टी फाइव लेक्चर्स ऑन डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन कैसे हैं आप इन शब्द अच्छे होंगे लास्ट लेक्चर में हमने मेमरी एक्सपेंशन एड्रेस डी कोडिंग मेमरी मैप्स पर बात की थी और उसके बाद हमने एफ पी जी ए डिवाइसिस पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था आज इनशाला एफ पी जी ए से बात शुरू करेंगे और आगे हम ए टू डी कन्वर्टर्स और डी टू ए कन्वर्टर्स की बात करेंगे इससे पहले कि आज का लेक्चर शुरू करें आइए लास्ट लेक्चर के कुछ कंटेंट्स रिव्यू कर लें लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने बताया बात हमने शुरू की थी मेमोरी मैप से एडवेस डी और मेमोरी एक्सपेंशन से बेसिकली हम ये कह रहे थे कि जो भी आप डिजिटल सिस्टम डिजाइन करते हैं आपका कोई कंप्यूटर सिस्टम है तो उसकी अपनी एक मेमोरी रिक्वायरमेंट है डिपेंड करता है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है कितने एड्रेसेस जनरेट कर रहा है सो so बेसिकली वो टोटल मे, एड्रेसेबल मेमोरी स्पेस डिटरमिन होगी उससे अब किसी भी सिस्टम में रैम चाहिए इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए रॉम चाहिए कुछ इनिश, इनिशलाइजेशन के लिए टेबल स्टोर करने के लिए बफर्स की हमने बात की थी तो सिस्टम में बफ़र्स चाहिए डाटा को ट्रांसफर करने के लिए स्टैक इंप्लीमेंट करना है तो ये सारी जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मेमरीज हैं ये एड्रेस होंगी माइक्रो प्रोसेसर से एक्सेसिबल होंगी माइक्रो प्रोसेसर से अब बेसिकली कितनी रैम चाहिए कितनी रोम चाहिए बफर का साइज़ क्या होना चाहिए स्टैक का साइज़ क्या होना चाहिए ये डिपेंड करता है उस डिजिटल सिस्टम की रिक्वायरमेंट पे जैसे हमने पहले बताया था अगर प्रोग्राम छोटा है फ्यू इंस्ट्रक्शंस हैं तो छोटी रैम चाहिए होगी टेबल्स बहुत सारे आपने इम्प्लीमेंट किए हैं या बफर्स बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट किए हैं तो अकॉर्डिंगली वो जो मेमोरी है बफर की मेमोरी या रोम जो है वो ज़्यादा होगी दूसरी हमने बात की थी कि जो सिस्टम है वो एड्रेस स्पेस तो हमने डिटर्मिन कर ली डाटा यूनिट जो साइज़ है वो भी सिस्टम पर डिपेंड कर रहा है कुछ कंप्यूटर सिस्टम्स हैं जो एड बिट इंफॉर्मेशन से काम करते हैं दूसरे कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो 16 बिट इंफॉर्मेशन से बात कर आ, काम करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो 4 बिट इंफॉर्मेशन से काम कर रहे हैं सो so बेसिकली इन सारी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को इम्प्लीमेंट कैसे करना है मेमोरी जैसे हमने बताया कि एक फ़िक्स्ड फॉर्मेट्स में अवेलेबल है या तो सिंगल बेड में अवेलेबल होगी या फोर बेड में होगी या एट बेड में होगी नंबर ऑफ लोकेशन जो हैं वो भी तकरीबन फिक्सड हैं तो बेसिकली जो हमारे पास मेमोरी अवेलेबल है उसको हमने इस किस्म का यूज़ करना है इस किस्म से यूज़ करना है या कनेक्ट करना है ताकि जो हमारे डिजिटल सिस्टम की रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो बेसिकली हम ये कह रहे थे कि जो भी रिक्वायरमेंट है वो एज ए मेमोरी मैप की सूरत में हम डिटर्मिन करेंगे दिखाएंगे एक्सप्लेन करेंगे कि रैम इतनी है ये साइज़ है ये बेस एड्रेस है इधर ख़त्म हो रही है इस तरह रोम जो है उसका ये साइज़ होना चाहिए फलाने बेस एड्रेस से शुरू हो रही है और इस पर्टिकुलर बेस एड्रेस पे ख़त्म हो रही है तो ये सारी चीज़ें डिटरमिन कर लेंगे उसके बाद जो अवेलेबल मेमोरी है उनको आपस में कनेक्ट करना है ताकि ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल हो जाए हमने ये बताया था कि अगर हमारे पास दो मेमरीज हों तो अगर हमने डाटा यूनिट साइज़ बढ़ाना है लेट्स से एट बिट डाटा है और सिक्सटीन बिट हमें चाहिए जो हमारा डिजिटल सिस्टम है उसकी रिक्वायरमेंट है कि सिक्सटीन बिट डाटा यूनिट साइज़ हो तो बेसिकली दो मेमोरीज़ को आपस में आपने ऐसे जोड़ना है के दोनों मेमरीज में, में जो एक जैसी लोकेशंस हैं लेट्स से पहली लोकेशन या आखिरी लोकेशन या फिफ्थ लोकेशन दोनों मेमरीज में, में ये सारी इकट्ठी या सामल्टेनियसली सिलेक्ट हों सो बेसिकली दोनों के एड्रेस लाइंस हमने आपस में जोड़ दी थी चिप सेलेक्ट्स आपस में जोड़ दिए थे रीड राइट लाइन जो है वो भी दोनों की मुश्तरक थी जब भी रीड राइट सिग्नल अप्लाई करेंगे दोनों में रीड होगा या राइट होगा जो डाटा लाइन्स हैं वो हमने सेपरेट रखी थी ताकि जो डाटा यूनिट का साइज़ है वो डबल हो जाए नेक्स्ट हमने बात की थी कि अगर हमने नंबर ऑफ लोकेशंस बढ़ानी है हमारा लेट्स से प्रोग्राम जो है फोर के है वो बढ़ गया है एट के मेमोरी स्पेस चाहिए तो बेसिकली मेमोरी को डबल करना है नंबर ऑफ लोकेशंस डबल करनी है सो so, वो कैसे करेंगे बेसिकली एड्रेस लाइंस दोनों मेमोरी की जो है वो आपस में जोड़ देंगे डाटा लाइन्स भी आपस में जोड़ देंगे रीड राइट लाइंस भी आपस में जोड़ देंगे अब हमें ये करना है कि जो पहली मेमोरी है वो फोर के पहले वाले फ़ोर के एड्रेसेस के लिए सिलेक्ट हो और जो दूसरी वाली मेमोरी है वो नेक्स्ट फोर के एड्रेसेस के लिए सेलेक्ट हो तो बेसिकली किसी डिवाइस को डिजिटल लॉजिक में सेक्ट करने के लिए चिप सेलेक्ट सिग्नल को यूज़ किया जाता है सो so, एक एक्स्ट्रा एड्रेस लाइन चाहिए क्योंकि बेसिकली हमने जो टोटल एड्रेसबल स्पेस है वो डबल कर दी है सो so, जो एक एक्स्ट्रा एड्रेस लाइन होगी वो अगर डायरेक्टली हम पहले चिप के चिप सेलेक्ट सिग्नल के साथ कनेक्ट कर दें रिज्यूमिंग के चिप सेलेक्ट सिग्नल जो है वो एक्टिव लो है तो जब भी वो एक्स्ट्रा एड्रेस लाइन पे ज़ीरो होगा पहला वाला चिप सेलेक्ट हो जाएगा और अगर जब वन होगा तो दूसरा वाला चिप सेलेक्ट होगा क्योंकि उसके चिप सेलेक्ट सिग्नल के साथ हमने थ्रू ए नॉट गेट कनेक्ट किया हुआ सो so, इस तरह बेसिकली यूजिंग टू मेमरीज उनको हमने कोनेक्ट इस तरह की हमारी लोकेशन डबल हो गई तीसरा हमारे पास इशू ये था कि अगर रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमने डाटा यूनिट साइज जो है वो बढ़ाना है और नंबर ऑफ लोकेशंस वो भी बढ़ानी है तो बेसिकली हमने कहा था कि चार बेसिकली जो टोटल एड्रेस स्पेस है या मेमोरी कैपेसिटी है वो कॉड्रोपल कर रहे हैं चार गुना कर रहे हैं तो चार चिप्स हमें चाहिए होंगे और उनको आपस में कनेक्ट करना है हमने ये डिसाइड किया था कि सारों की एड्रेस लाइन आपस में कनेक्ट कर देंगे डाटा लाइन्स जो हैं जो दो ऊपर वाले हैं जिनकी मदद से हम जो है डाटा यूनिट साइज़ बढ़ा रहे हैं उनकी तो डाटा लाइन सेपरेट होंगी पर जो नीचे वाले नेक्स्ट टू चिप्स हैं जिनकी वजह से लोकेशंस बढ़ रही हैं उनकी आपस में डाटा लाइन्स जोड़ देंगे चिप्स लेक सिग्नल से जो पहले दो चिप्स हैं जो डाटा साइज को बढ़ा रहे हैं उनको हम इकट्ठा सेलेक्ट करेंगे नेक्स्ट टू जो चिप्स हैं उनको हम इकट्ठा सेलेक्ट करेंगे बेसिकली जो एक्स्ट्रा एड्रेस लाइन होगी वो चिप्सलेक्ट पहले वालों के साथ कनेक्ट होगी और दूसरे वालों के चिप्स के साथ भी कनेक्ट होगी यूजिंग ए नॉट गेट रीड राइट लाइन जैसे हमने बताया था देखा भी था कि सारों को इकट्ठी कनेक्टेड है हमने एड्रेस डिकोडिंग की बात की थी बेसिकली हम ये कह रहे थे कि डिफरेंट जो चिप्स हैं उनका कोई बेस एड्रेस होना चाहिए जैसा कि हमने इन डिफरेंट चिप्स की मेमोरी चिप्स की जो इम्प्लीमेंटेशन में देखा था जो भी लोकेशन है उसको हम रिज्यूम कर रहे हैं पहली वाली लोकेशन उसका एड्रेस ज़ीरो है और आखिरी वाली जो लोकेशन है किसी भी मेमोरी चिप में उसको हम एड्रेस एन कहते हैं जब दो आइडेंटिकल चिप्स वो आपस में हमने इस तरह कनेक्ट किए ताकि लोकेशंस डबल हो जाएं, सो दैट मींस जो दूसरा चिप है उसका कुछ स्टार्ट एड्रेस जो है या बेस एड्रेस जो है वो डिफरेंट होगा ज़ीरो नहीं होगा सो बेसिकली बेस एड्रेस कैसे डिटर्मिन होगा वो तो हमने देखा था कि एड्रेस डी कोडर्स की मदद से एड्रेस डी कोडर्स हम डिस्क्रीट लॉजिक की मदद से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं या एम टू एन डी कोडर्स से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं सो so, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट एड्रेस लाइंस हैं वो इन डी कोडर्स के इनपुट पे कनेक्टेड हैं आउटपुट पे एक ही लाइन एक्टिव होगी सो so, अगर टू टू फोर डी है है सपोज तो उसके दो जो इनपुट्स हैं उनमें दो एड्रेस लाइन्स होंगी डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू Of those two address lines, एक आउटपुट सेलेक्ट होगा वो आउटपुट जो है एक चिप सेलेक्ट पेन के साथ कनेक्ट कर दें एक मेमरी के इसी तरह दूसरा जो आउटपुट है वो दूसरे मेमरी के चिप सेलेक्ट के साथ कनेक्ट कर दें सो एट एनी गि इंस्टेंट जो भी एड्रेस इनपुट पर वैल्यू होगी एक चिप सेलेक्ट आउटपुट सेलेक्ट होगा जिसकी मदद मतलब से हम एक ही चिप को सिलेक्ट कर रहे हैं सो so, बेसिकली जिस एड्रेस पे पर्टिकुलर चिप सेलेक्ट हो रहा है वो हम कहेंगे इसका बेस एड्रेस है नेक्स्ट हमने बात की थी एफ़ पी जी ए डिवाइसिस पर हमने शुरू में पढ़ा था पी एल डी डिवाइसिस तो प्रोग्राम लॉजिक डिवाइस हैं प्रोग्राम करके हम कम्बिनेशनल सर्किट बना सकते हैं या सीकुनशल सर्किट बना सकते हैं बेसिकली उसमें एंड और रे होते थे जिनको हम प्रोग्राम करते थे टू फॉम ए फंक्शन और आउटपुट में हमारे पास आउटपुट लॉजिक यूनिट्स होते थे जिनकी मदद से हम जो इंफॉर्मेशन है उसको इन दाम ऑफ कम्बिनेशनल सर्किट रिप्रजेंट कर सकते थे या सीकेंशल के सर्किट के तौर पर हम फीडबैक भी कर सकते थे ऑल दैट एफ पी जी ए में बेसिकली कॉन्सेप्ट वही है पर ज्यादा फ्लैक्सीबिलिटी हमारे पास है बेसिकली तीन मेन पार्ट्स की हमने बात की थी लॉजिक यूनिट्स जो एक टू डायमेंशनल एरे की फॉर्म में ऑर्गेनाइज हैं रो एंड कॉलम इंटरकोनेक्ट्स बेसिकली ये पाथ्स हैं इनपुट आउटपुट पाथ्स हैं जो जिनकी मदद से हम डिफरेंट लॉजिक यूनिट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं सो इन्फॉर्मेशन एक लॉजिक यूनिट से दूसरी लॉजिक यूनिट तक भेजी जा सकती है इस चिप के आउटपुट पे हमारे पास इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स हैं जिनकी मदद से हम जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है उससे इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कर सकते हैं इसमें हर लॉजिक यूनिट में मल्टीपल लॉजिक एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम प्रोग्राम करते हैं बेसिकली वही बात है कि हमने अगर सिक्वेंशल सर्किट बनाना है तो ये लॉजिकल एलिमेंट्स को हम प्रोग्राम करेंगे अगर हमने कॉम्बिनेशन सर्किट बनाना है इन्हीं लॉजिकल एलिमेंट्स को प्रोग्राम करेंगे जैसे हमने बताया था एक लॉजिक यूनिट में मल्टीपल लॉजिक एलिमेंट्स हो सकते हैं उसमें आज हम डिस्कशन इधर से ही शुरू करते हैं बेसिकली हम देखते हैं कि ये जो लॉजिकल एलिमेंट्स हैं इनकी इंटरनल कंस्ट्रक्शन कैसी है किस किस्म के सर्किट्स हैं और कैसे हम एज ए सिक्वेंशल सर्किट प्रोग्राम कर सकते हैं और एज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट प्रोग्राम कर सकते हैं तो so, आइए देखते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम और इंटरनल सर्किट स्लाइड में लॉजिक एलिमेंट का एक ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया एक्स्ट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे एक लुकअप टेबल है जिसके चार इनपुट्स हैं और ये चार इनपुट्स जो हैं डिफरेंट इंटरकोनेक्ट आ रहे हैं दैट मीन डिफरेंट लॉजिक एलिमेंट से ये इंफॉर्मेशन आ रही है आउटपुट एक दिखाया गया जो कि कैसकेट लॉजिक के साथ कनेक्टेड है इसी तरह एक कैरी इन पेन दिखाया गया और एक कैरी आउट पेन दिखाई गई है सो लुकअप टेबल जो है इसको हम प्रोग्राम करते हैं फॉर एनी फंक्शन सो लुकअप टेबल को हम प्रोग्राम कर सकते हैं एज ए फुल एडर सो तो अगर फुल एडर के तौर पे हमने प्रोग्राम किया है तो इसके लिए कैरी इनपुट ज़रूरी है और कैरी आउटपुट ज़रूरी है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं मजीद इस किस्म के फुल एड्रेस को आपस में कैसकेट करने के लिए कैसकेट लॉजिक जो है बेसिकली ये हमें अलाउ कर रहा है डिफरेंट जो लॉजिक एलिमेंट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए सो लेट सपोज एक नेबरिंग लॉजिक एलिमेंट है जिसका आउटपुट जो है इस लॉजिक एलिमेंट के साथ कैसकेट करना है सो so ये जो कैसकेट लॉजिक है इसकी मदद से हम किसी और लॉजिक एलिमेंट से इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं इसी तरह ये जो इंफॉर्मेशन है किसी दूसरे लॉजिक एलिमेंट को भेज भी सकते हैं इसके बाद एक प्रोग्रामेबल सेलेक्ट ब्लॉक दिखाया गया है इनफैक्ट दो प्रोग्रामेबल सेलेक्ट ब्लॉक्स दिखाए गए हैं बेसिकली ये प्रोग्रामेबल सेलेक्ट जो ब्लॉक है ये हमें अलाउ कर रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो डिफरेंट सोर्सेस से लें तो एक तो कैसकेट लॉजिक से इन्फॉर्मेशन आ रही है और एक दूसरी इनपुट पिन से आ रही है पहला जो प्रोग्रामेबल सेलेक्ट लॉजिक है उसके आउटपुट पे एक हमने फ्लिप फ्लॉप कनेक्ट किया हुआ है सो फ्लिप फ्लॉप का इनपुट जो है इस प्रोग्रामेबल सेलेक्ट से आ रहा है फ्लिप फ्लॉप की एक क्लॉक है एक ए सर्नरस प्री है और एक ए संगस क्लियर इनपुट है जो कि क्लॉक क्लियर प्री सेट सेलेक्ट लॉजिक से कंट्रोल हो रहा है फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे अगेन एक प्रोग्रामेबल सेलेक्ट है सो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट इसमें कनेक्टेड है और एक दूसरा जो है कैसकेट लॉजिक के आउटपुट के साथ कनेक्टेड है सो so, बेसिकली हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं कि हमें फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट चाहिए या कॉम्बिनेशनल जो है वो आउटपुट चाहिए अभी हमने लॉजिकल एलिमेंट का सर्किट डायग्राम देखा जो कि अगर आपको आप कंपेयर करें जो हमने पी एल या पैल डिवाइसेज या पी एल जो पढ़ी थी उनके स्ट्रक्चर से कुछ मिलता जुलता है बेसिकली इधर हम एक लुकअप टेबल इस्तेमाल कर रहे हैं टू प्रोग्राम ए फंक्शन पहले केस में बेसिकली बेसिकली हमारे पास एंड और गेट अरेज थी जिनको हम प्रोग्राम कर रहे थे उसमें भी हमने एक डी फ्लिप फ्लॉप यूज किया था इसमें भी एक फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं जिसकी मदद से हमें एक आउटपुट मिल सकता है उसमें भी एक ताकि मैंने एक प्रोग्रामेबल लॉजिक थी जिसकी मदद से हम डिफरेंट कन्फिग्रेशन में उसको सेट कर सकते थे इधर भी हमारे पास प्रोग्रामेबल लॉजिक है जिसकी मदद से हम या तो सीक्वेंशियल आउटपुट रिसीव कर सकते हैं या कॉम्बिनेशनल आउटपुट रिसीव कर सकते हैं उसमें अब हमने बात करनी है कि जो लुकअप टेबल है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं टू प्रोग्राम ए फंक्शन बेसिकली लुकअप टेबल जो है जैसे हमने बात की थी जब हम राम डिस्कस कर रहे थे कि राम मेमोरी को हम यूज़ कर सकते हैं टू प्रोग्राम ए फंक्शन कैसे होगा लेट लेटस टेक एन एग्जाम्पल आप एज्यूम करें कि आपके पास एट लोकेशन रॉम है या रैम भी हो सकती है है सो सो हर लोकेशन में एक स्टोर लेट सपोज कि आपने फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है जिसमें तीन मिन टर्म्स हैं ए बार बी बार सी बार ए बार बी बार सी और ए बी सी ये तीन मिन टर्म्स हैं तो फंक्शन के आउटपुट में बेसिकली वन होना चाहिए अगर इनमें से कोई भी तीन मिन टर्म्स प्रेजेंट हो सो so बेसिकली अगर एक आप रॉम लें वही एट लोकेशन वाली जिसमें हर लोकेशन में एक पेट स्टोर है सो फॉर एड्रेस जीरो 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 कर रही पहली वाली मिनटम ए बार बी बार सी बार इसके जो लोकेशन है इस पर अगर आप वन स्टोर कर दें सो दैट मीन्स जब भी ये आप एड्रेस सेलेक्ट करेंगे डाटा आउटपुट पे वन आएगा सो दैट मीन्स इस फंक्शन इस मिनटम के प्रेजेंस पे आपका फंक्शन जो आउटपुट है वो वन हो रहा है इसी तरह जो सेकेंड लोकेशन है जहाँ बेसिकली जो एड्रेस है ज़ीरो जीरो वन ए बी ज़ीरो है और सी जो है वन है दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है मिनटम ए बा सी सो अगेन so इस एड्रेस लोकेशन पे अगर आप वन प्रोग्राम कर दें तो so जब भी ये एड्रेस सेलेक्ट होगा आउटपुट पे आपके पास अगेन वन आएगा बाकी जो लोकेशन हैं उन पर ज़ीरो प्रोग्राम कर दें एक्सेप्ट फॉर दी लास्ट लोकेशन ए बी सी सो इस एड्रेस पे वन 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 एड्रेस पे आपने अगेन वन प्रोग्राम कर दिया तो जब भी आप ये एड्रेस सेलेक्ट करेंगे आउटपुट पे आपके वन आ जाएगा सो so बेसिकली आपने रोम को प्रोग्राम कर दिए टू रिप्रेजेंट ए फंक्शन अगर आपको ज़्यादा मिनटम्स हैं आपके पास से मोर देन एट फोर वेरिएबल फंक्शन है तो ऑफ़कोर्स आप एक बड़ी रोम या रैम यूज़ कर सकते हैं इसी तरह अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसके मल्टीपल आउटपुट्स हैं जैसा कि हमने कंपैरेटर सर्किट बनाया था इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी ए इज ग्रेटर देन बी इज़ लेस देन बी तीन डिफरेंट आउटपुट्स थे तो अगेन इफ यू हैव ए रोम जिसके तीन आउटपुट्स हैं दैट मीन्स डाटा बिट्स जो हैं चार डाटा बिट्स यूज़ कर रहा है सो उनमें से तीन आप यूज़ कर सकते हैं एक को आप प्रोग्राम ना करें सो so बेसिकली आपको तीन डिफरेंट फंक्शंस मिल सकते हैं सर so ये देखते हैं एग्जांपल। पहले एक सिंपल फंक्शन की कैसे प्रोग्राम कर रहे हैं और इसी तरह एक दूसरे एग्जाम्पल देखेंगे रॉम को यूज़ करेंगे एक फुल एडर एम्प्लीमेंट करने के लिए फुल एडर एम्प्लीमेंट करने के लिए जैसे कि आपको पता है कितने इनपुट्स हैं बेसिकली ए बी सी इन तीन इनपुट्स हैं दो तो इनपुट्स आ रहे हैं और साथ में कैरी इन ऐड होता है और फुल एडर का जो आउटपुट है एक सी आउट होता है कैरी आउट और एक सम आउटपुट है सो so, जो रोम या रैम हम यूज़ करेंगे बेसिकली तीन बिट एड्रेस होना चाहिए एट लोकेशन की होनी चाहिए हर लोकेशन में दो बिट्स स्टोर होंगे सो so, एक जो बिट है वो रिप्रेजेंट करेगी सम आउटपुट को और दूसरी जो बिट है वो रिप्रेजेंट करेगी कैरी आउटपुट को आइए देखते हैं दोनों फंक्शंस पहला जो फंक्शन है वो रिप्रेजेंट हो रहा है बोलियन एक्सप्रेशन से ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी ऊपर जो टेबल दिखाया गया बेसिकली वो रॉम के कॉन्टेंट्स दिखा रहा है सो फॉर एड्रेस ए बी सी इक्वल्स टू जीरो 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 जो पहला एड्रेस है फंक्शन आउटपुट जो है या डाटा जो इधर स्टोर किया है वो जीरो है इसी तरह एड्रेस जीरो जीरो वन के लिए जो इन्फॉमेशन स्टोर की है उस लोकेशन पे वो जीरो है एड्रेस जीरो वन ज़ीरो के लिए इन्फॉर्मेशन जो स्टोर की है वो वन है ये एड्रेस जीरो वन जीरो जो है रिप्रेजेंट कर रहा है मिनट ए बार बी सी बार इसी तरह एड्रेस वन जीरो वन जो है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है बी बार ए को उधर डाटा जो हमने स्टोर किया है वो वन है इसी तरह आखिरी जो मिनटर्म है ए बी सी जो कि एड्रेस ए बी सी वन 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 कर रहा है उधर भी हमने इन्फॉर्मेशन वन स्टोर की हुई है सो so, तीनों में से कोई भी एड्रेस जब अप्लाई करेंगे रोम के इनपुट पे आउटपुट में अप्रोप्रिएट डाटा वैल्यू आ जाएगी सो फॉर एड्रेसेस 010, 101 एंड 111 आउटपुट जो होगा वो वन होगा आइए देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन को जो कि एक फुल एडर को एम्प्लीमेंट कर रहा है फुल एडर के दो जो आउटपुट्स हैं सम आउटपुट एंड कैरी आउटपुट उनकी जो बोलिन एक्सप्रेशन हैं वो हैं ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी ये है सम आउटपुट की बुलियन एक्सप्रेशन इसी तरह कैरी आउट की जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो है ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी इनको ऑफकोर्स सिंप्लीफाई किया जा सकता है टेबल में अगेन एक रैम या रॉम मेमोरी दिखाई गई है जिनकी तीन एड्रेस लाइंस हैं जो कि रिप्रेजेंट हो रही हैं ए बी एंड सी एन से सो देर फोर एट लोकेशन लोकेशन पे दो बेट स्टोर कर रहे हैं हम सो so, एक रिप्रेजेंट कर रही है सम बेट और दूसरी जो बेट है वो रिप्रेजेंट करती है कैरी आउट सो अगर एड्रेस जीरो 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 हो ये रिप्रेजेंट कर रही है मिनटम ए बार बी बार सी बार उसके लिए सम भी जीरो है और सी आउट भी जीरो है नीचे अगर बोलियन एक्सप्रेशन को देखें उनमें दोनों एक्सप्रेशन में ए बार बी बार सी एन बार की टर्म नहीं है इसी तरह नेक्स्ट एड्रेस पे अगर देखें जीरो जीरो वन ये रिप्रेजेंट कर रही है मिनटम ए बार बी बार सी एन ये वाली जो टर्म है बेसिकली सम बुल एक्सप्रेशन में मौजूद है सो सम आउटपुट में जो सम बिट है उसको हमने वन सेट कर दिया हुआ है कैरी आउट जो बिट है उसको हमने जीरो रखा हुआ इसी तरह अगर आप एक्सप्रेशन को देखें हमने एड्रेस जीरो वन जीरो के लिए भी सम आउटपुट को वन सेट किया हुआ है इसी तरह एड्रेस वन जीरो ज़ीरो के लिए सम आउटपुट वन रखा हुआ है और आखिर में एड्रेस वन 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 लोकेशन पे जो सम बिट है उसको वन सेट किया हुआ है कैरी आउट को अगर इस तरह देखें पहली जो मेन टर्म है ए बार बी सी एन बार उसके लिए कैरी आउट को वन रखा हुआ Next three terms है नेक्स्ट जो थ्री मिनटम्स हैं वन जीरो वन दैट इज ए बी बार सी इसी तरह ए बी सी बार और ए बी सी इन तीनों के लिए हमने कैरी आउट को वन रखा हुआ है सो दैट मीन्स इनमें से कोई भी एड्रेस अप्लाई करेंगे अप्रोप्रिएट सम आउटपुट या वन होगा या जीरो होगा डिपेंड करता है कि हमने प्रोग्राम किया हुआ है इसी तरह कैरी आउट जो है वो भी वन या जीरो होगा डिपेंड करता है हमने क्या प्रोग्राम किया हुआ है अभी हमने लुकअप टेबल का डायग्राम देखा और हमने देखा कैसे उसको प्रोग्राम कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के लिए जो लुकअप टेबल है बेसिकली उसके फोर इनपुट्स हैं दैट मीन्स फोर वेरिएबल फंक्शन हम प्रोग्राम कर सकते हैं अगर ज़्यादा वेरिएबल के फंक्शन प्रोग्राम करने हैं तो बेसिकली हम डिफरेंट एलिमेंट्स को आपस में कैसिकेट कर सकते हैं उसमें एक जो आखिरी बात रहेगी एफ पी जी एस में वो है जो इंटरकोनेक्ट्स हैं डिफरेंट लॉजिकल यूनिट्स को आपस में कैसे कोनेक्ट करना है हमने जैसे डायग्राम में देखा था ब्लॉक डायग्राम में देखा था रोज हैं और कॉलम्स हैं जो आपस में डिफरेंट एलिमेंट्स को कनेक्ट करते हैं बेसिकली कनेक्शन कैसे होगा एक रो को एक कॉलम के साथ कैसे मिलाएंगे वो बेसिकली ट्रांजिस्टर्स के थ्रू मिलाया जा रहा है जैसे कि हमने देखा था रोम को जब आप प्रोग्राम करते हैं तो एक ट्रांजिस्टर का गेट रो के साथ कनेक्ट कर देते हैं आउटपुट जो है उसका एक कॉलम के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो इसी तरह हर रो और कॉलम इंटरसेक्ट के साथ एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है अगर ट्रांजिस्टर को हमने एक्टिवेट कर दिया दैट मीन्स रो को कॉलम के साथ कनेक्ट कर दिया दैट मीन्स हमने कनेक्शन बना दिए रो एंड कॉलम के दरमियान अगर ट्रांजिस्टर को स्विच ऑफ कर देते हैं इसका मतलब है रो और कॉलम के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है एफ को भी हम प्रोग्राम करते हैं पी एल डी डिवाइस के दौरान बेसिकली एक प्रोग्राम हमें लिखना पड़ेगा और प्रोग्राम में डाल के इस एफ पी जी ए डिवाइस को हम प्रोग्राम करेंगे किसी भी फंक्शन यूनिट के लिए आइए अब नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं बेसिकली एनोलॉक टू डिजिटल कन्वर्टर्स एंड डिजिटल टू एनोलॉक कन्वर्टर्स बेसिकली ये कन्वर्टर्स है क्या जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कोई एनालॉग वैल्यू है जिसको हम डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं और कोई डिजिटल वैल्यू है जिसको हम एनालॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं बेसिकली इन कन्वर्टर्स की जरूरत क्यों पड़ रही है शुरू में याद हो आपको पहला लेक्चर जो था हमने बात की थी कि हम डिजिटल लॉजिक पढ़ रहे हैं बेसिकली इसमें इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस हो रही है वो डिजिटल फॉर्मेट में प्रोसेस होगी रियल वर्ल्ड जो इन्फॉमेशन है वो एनोलॉग फॉर्म में होता है फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल फ़ोन है मोबाइल फ़ोन में जब आप बात करते हैं तो जो साउंड है वो एनोलॉग सिग्नल है इसी तरह जो मोबाइल फ़ोन से आप बात सुन रहे हैं वो भी जो साउंड सिग्नल है वो एनोलॉग फॉर्म में है मोबाइल फ़ोन में जो वॉइस सिग्नल प्रोसेस हो रहा है वो डिजिटल फॉर्मेट में प्रोसेस हो रहा है सो दैट मीन्स जब आप बोल रहे हैं आपका एनोलाग सिग्नल जो साउंड सिग्नल है उसको कन्वर्ट करना है डिजिटल फॉर्मेट में और फिर प्रोसेसिंग होगी इस तरह जब आप सुन रहे हैं बेसिकली आप सुन रहे हैं एक एनोलाग फॉर्म के सिग्नल को प्रोसेसिंग जो हुई है वो डिजिटल फॉर्मेट में हुई है सो दैट मीन्स डिजिटल सिग्नल जो है एनोलाग में कन्वर्ट हो रहा है आप कल एक्ट है डिजिटल थर्मामीटर है थर्मामीटर जो है बेसिकली आपको डिजिटल थर्मो मीटर में आपको नंबर्स की सूरत में टैंपरेचर बताया जा रहा है सो so, टैम्परेचर जो है वो एक एनालॉग वैल्यू है वो कन्वर्ट होगी डिजिटल फॉर्मेट में और वो आपको डिजिटल फॉर्मेट में एक चीज़ नज़र आ रही है जिस तरह आपके पास वोल्ट मीटर्स देखे होंगे जो आप वोल्टेज मैयर कर रहे हैं उसमें डिजिटल फॉर्मेट uh, में होते हैं जो एनालॉग uh, जो वोल्टेज है वो बेसिकली एक एनालॉग वैल्यू है वो कन्वर्ट होगी डिजिटल फॉर्मेट में और इस तरह आप डिजिटल रीड आउट देख सकते हैं उस वोल्ट मीटर का सो so बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं उनमें बेसिकली सिग्नल्स जो हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड के जो सिग्नल्स हैं रियल वर्ल्ड के सिग्नल्स हैं वो एनालॉग फॉर्म में है। उनको चेंज करना पड़ता है कन्वर्ट करना पड़ता है डिजिटल फॉर्मेट में और इसी तरह जब आप एक डिजिटल फॉर्मेट में एक चीज़ प्रोसेस कर ली है उसको आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं उसको भी है आपको एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हमने देखी थी वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमने एक चीज़ देखी एक डायग्राम देखा था जिसमें बेसिकली एक बॉयलर वेसल है जिसमें कोई चीज हीट की जा रही है तो हमने वो जो हीटिंग है उसको कंट्रोल करना है ख़ास टेम्परेचर से एक नहीं होना चाहिए सो बेसिकली एक थर्मामीटर लगा हुआ है जो उसको मैयर कर रहा है टेम्परेचर को थर्मामीटर की जो आउटपुट है उसको हम डिजिटाइज़ कर रहे हैं डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं एक हमारे पास कंट्रोल यूनिट लगा हुआ है जो इस डिजिटल वैल्यू को देख रहा है अगर वो एक्सीड हो रहा है तो दैट मीन्स उसने जो हीट है उसको कंट्रोल करना है रिड्यूस करना है सो so बेसिकली वो एक सिग्नल भेजेगा जो एक हीटिंग यूनिट को ताकि हीट रिड्यूस हो जाए अब वो जो हीटिंग यूनिट है वो बेसिकली एक एनालॉग फॉर्म है सो बेसिकली प्रोसेसिंग यूनिट जो है जो ही जो वैल्यू है जो कंट्रोल है उसको लो करने के लिए एक डिजिटल इंफॉर्मेशन को एनालॉग में चेंज कर रहा है थ्रू ए डी टू ए कन्वर्टर और उसका जो आउटपुट है उस कंट्रोल जो हीटिंग यूनिट है उसको कंट्रोल कर रहा है सो so, आइए देखते हैं इन एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर्स को और डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर्स को ये काम कैसे करते हैं और इनकी थेरी क्या है पहले हम बात करते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स से बेसिकली एनोलॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है एनोलाग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा अब डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए जो ओरिजिनल सिग्नल है जो कि एनोलॉग फॉर्म में है जो कि एक टेम्परेचर की वैल्यू हो सकती है या वॉइस सिग्नल हो सकता है कुछ भी हो सकता है उसको कन्वर्ट करने के लिए उस सिग्नल के सैंपल्स लेने पड़ेंगे सो so, हर सैंपल को आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए बाइनरी वैल्यू अब सैंपल्स कितने चाहिए अगर आप कम सैंपल्स लेते हैं तो उन सैंपल्स को जब डिजिटाइज़ करते हैं तो वो एक्चुअल सिग्नल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा क्योंकि आपके पास इतने सैंपल्स ही नहीं जो कि एक्चुअल सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सो so इसको कहेंगे अंडर सैम्पलिंग और आपका जो डिजिटाइज सिग्नल होगा जो बाइनरी फॉर्म में होगा वो करेक्ट नहीं होगा वो ओरिजिनल सिग्नल को करेक्टली रिप्रजेंट नहीं करेगा अगर आप बहुत सारे सैंपल्स ले, ले लेते हैं उनको डिजिटाइज़ करते हैं तो वो डिजिटाइज सिग्नल तो एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर रहा होगा एनालॉग सिग्नल को पर इफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी प्रोसेसिंग के लिए सो so, इसको कह देंगे हम ओवर सैंपलिंग हो रही है बेसिकली हमारे पास एक क्राइटेरिया है जिसके तहत हम सैंपलिंग डिटर्मिन कर सकते हैं कि कितने सैंपल होने चाहिए किसी भी एक सिग्नल के बेसिकली नाइक्विस्ट क्राइटेरिया कहते हैं या नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी कहते हैं नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी बेसिकली एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी है जिसके तहत हम इस इनपुट सिग्नल को एनोलॉग इनपुट सिग्नल को सैंपल कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी क्या है बेसिकली इट शुड बी ट्वाइस द हाइस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल सो लेट अस सपोज कि इनपुट जो सिग्नल है उसकी हाइस्ट फ्रीक्वेंसी है बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं जो हाइस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्स सो so, सैम्पलिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो 100 हर्ट्स होनी चाहिए सो so, ये है नाइक्स्ट क्राइटेरिया सो so, आइए देखते हैं डिफरेंट डायग्राम्स अनलॉक सिग्नल के और देखते हैं कि सैम्पल्स अगर हम अंडर सैम्पलिंग करें तो उससे क्या नुकसान होगा और प्रॉपर सैम्पलिंग कितनी होनी चाहिए डायग्राम में एक एनोलाग सिग्नल दिखाया गया जो कि टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है सो हॉजेंटल लाइन पे टाइम दिखाया गया है और वर्टिकल लाइन पे टेम्परेचर को प्लॉट किया गया so है सो टेम्परेचर की वैल्यूज़ जो हैं 5, 10, 15, 20 से लेके 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हैं जो एनोलॉग सिग्नल रिप्रेजेंट किया हुआ है वो कॉन्टीन्यूस शेप में उसमें कुछ ब्रेक्स नहीं हैं आइए अब देखते हैं कि इसके सेम्पल्स कितने हम लेंगे और उसकी वजह से आउटपुट पर क्या असर होगा बेसिकली जो डिजिटाइज आउटपुट है वो कैसी होगी डायग्राम में वही एनालॉग सिग्नल दिखाया गया जिसके हम 15 डिफरेंट सैंपल्स ले रहे हैं इक्वल टाइम इंटरवल्स पे सो so, पहला जो सैंपल है वो टाइम इंटरवल वन पे लिया है दूसरा सेकंड पे इसी तरह तीसरा जो सैंपल है थर्ड पे फोर्थ पे और इसी तरह फिफ्टीन पे हम आखिरी सैंपल ले रहे हैं अब इन सैम्पल्स को अगर प्लॉट किया जाए तो हम देखते हैं कि हमारा जो डिजिटाइज आउटपुट है वो मिलता जुलता है इस एनोलॉग इनपुट सिग्नल से आइए देखते हैं डिजिटाइज आउटपुट डायग्राम में एक आउटपुट सिग्नल दिखाया गया जो कि हम सैंपल्स जो हमने कलेक्ट किए थे उनकी मदद से हम रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं सो so 15 सैंपल्स थे उन सारे सैंपल वैल्यूज़ को आपस में जोड़ दें थ्रू लाइंस तो हमारे पास ये आउटपुट में इस किस्म का एक सिग्नल आ रहा है जो कि इनपुट सिग्नल को क्लोजली रिजेंबल कर रहा है एग्जैक्ट नहीं है पर क्लोजली रिजेंबल कर रहा है अब हम देखते हैं कि अगर सैम्पल्स कम कर दें फिफ्टीन की जगह कम हो जाए सात हो जाए तो उससे आउटपुट पर क्या फ़र्क आएगा डायग्राम में एक रिकंस्ट्रक्टेड आउटपुट सिग्नल दिखाया गया जो कि सात सैंपल्स की मदद से बनाया गया सो so ओरिजिनल जो पंद्रह सैंपल्स लिए थे उनमें अगर हम सिर्फ ऑर्ड वाले सैंपल लें और इवन वाले सैंपल नहीं लें उनकी मदद से जब हम आउटपुट रिकन्स्ट्रकट करेंगे तो वो इस फॉर्म में आएगा जैसा कि आपको नजर आ रहा है इसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिसिंग है पहले वाले सिग्नल में इनपुट जो सिग्नल था एक पीक आती है शुरू में जो कि इधर मिसिंग है सेकेंड पीक जो है वो इधर डिस्प्ले हुई है सो इन्फॉर्मेशन बेसिकली लूज हो गई है अभी हमने देखा कि अगर कोई सिग्नल जो है अंडर सैम्पल्ड हो तो उसके आउटपुट जो है वो प्रॉपर नहीं होगा इन्फॉमेशन लूज़ होगी सो so, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अप्रोप्रियट नंबर ऑफ सैंपल्स कलेक्ट करें सो so, वो हमने डिटर्मिन किया कि जो नैक्यू फ्रीक्वेंसी है उसके तहत हमने एक एनोलाग सिग्नल को सैम्पल करना है नेक्स्ट जो है बेसिकली कन्वर्ट करने से पहले वो जो सैंपल्ड सिग्नल है उसको हमने स्टेबल रखना है फॉर अ सर्टन टाइम जो भी सर्किट होगा जो सैंपल को डिजिटाइज़ कर रहा है कन्वर्ट कर रहा है वो ऑफकोर्स कुछ टाइम लेगा अगर उस दौरान वो सैम्पल जो है जो इनपुट सिग्नल है वो चेंज हो रहा है दैट मीन्स आउटपुट में फ़र्क आएगा सो so बेसिकली हम ए टू डी कन्वर्टर जो है उससे पहले एक सैंपल एंड होल्ड सर्किट लगाते हैं जिसका काम ये है कि सैम्पलिंग करें इनपुट सिग्नल को अप्रोपेट फ्रीक्वेंसी पे और उस सैम्पल को एक मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होल्ड रखें जब तक वो कन्वर्ट नहीं होता इनटू इट्स डिजिटल फॉर्म सो आइए देखते हैं एक सैम्पल एंड होल्ड सर्किट को जिसकी मदद से हम सैम्पलिंग कर रहे हैं और उस सिग्नल को स्टेबल रखते हैं ताकि वो डिजिटाइज हो जाए डायग्राम में एक सैम्पल एंड होल्ड सिग्नल का ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है। सैम्पल जो सिग्नल है उसके दो इनपुट्स हैं एक जो इनपुट है लेफ्ट हैंड साइड पे, उधर हम इनपुट सिग्नल एनालॉग सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं जिसको हमने सैम्पल करना है नीचे हमने एक और सिग्नल दिखाया गया जिसके तहत हम उसकी सैम्पलिंग कर रहे हैं सो so, ये जो सिग्नल है इसकी फ्रिक्वेंसी डबल होनी चाहिए इनपुट सिग्नल से सैम्पल सर्किट का जो आउटपुट है वो हमने स्टेबल रखना है फॉर ए मिनिमम टाइम ताकि जो ए टू डी कन्वर्टर है इस सिग्नल को कन्वर्ट कर सके सो so, जो होल्ड सिग्नल है इट्स लाइक ए स्विच जो भी हमारे पास सैम्पल है उसको ये बेसिकली लैच कर लेगा सो so, वो आउटपुट स्टेबल रहेगा जब तक ए टू डी कन्वर्टर इसको चेंज ना कर ले सो लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक कॉन्टीन्यूस एनोलाग वेव फॉर्म दिखाई गई है राइट हैंड साइड पे जो सैंपल एंड होल्ड सिग्नल है वो दिखाया गया है सो so, जो भी सैंपल लिया है उसको हम स्टेबल रख रहे हैं फॉर सर्टन टाइम दैट मीन उसका जो आउटपुट है वो फ्लैट सूरत में एक स्टेप्स की सूरत में दिखाया गया है होल्ड सर्किट जैसा कि हमने देखा बेसिकली एक लैच है जो कि सैंपल आउटपुट को लैच कर देता उसको है उसको स्टेबल रखता है फॉर द ए टू डी कन्वर्टर टू कन्वर्ट अब भाई अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वांटाइजेशन पे। क्वांटाइजेशन जो है बेसिकली इट्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सैंपल एंड होल्ड सिग्नल टू द डिजिटल फॉर्मेट बेसिकली डिपेंड करता है कि आउटपुट में कितनी हमारे पास बिट्स हैं ज़्यादा बिट्स होंगी क्वांटाइजेशन लेवल ज़्यादा होगी तो हमारे पास ज्यादा एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन होगी ऑफ द ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल अगर आउटपुट में बिट्स हमारे पास कम हैं क्वांटाइजेशन लेवल्स कम होंगी आउटपुट में जो डिजिटाइज सिग्नल है वो एक्यूरेटली रिप्रजेंट नहीं करेगा आप एक एग्ज़ाम्पल को समझें लेट अस सपोज़ कि हम 220 ट्वेंटी वोल्ट जो सिग्नल है ए सी जो है हमारे घर में बिजली जो आ रही है उसको हम मैयर करना चाह रहे हैं उसको डिजिटल फॉर्मेट में रिप्रजेंट करना चाह रहे हैं जो हमारा ए टू डी कन्वर्टर है उसके आउटपुट पे दो बिट्स हैं सो बेसिकली चार ही नंबर आ सकते हैं यहाँ तो ज़ीरो जीरो आ सकता है जीरो वन आ सकता है वन जीरो या वन वन हम ये कहते हैं कि जो वन वन है वो मैक्सिमम सिग्नल इनपुट सिग्नल जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है सो मैक्सिमम सिग्नल इनपुट जो है टू ट्वेंटी वोल्ट है सो वन वन जब भी आउटपुट पे आएगा ए टू डी कन्वर्टर के वम कहेंगे कि, कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है टू ट्वेंटी वोल्ट इनपुट को इसी तरह जब जीरो जीरो होगा ये रिप्रेजेंट करेगा जीरो वोल्ट सिग्नल को दो आउटपुट जो हैं जीरो वन एंड वन ज़ीरो वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो वोल्टेज लेवल्स सेवेंटी फाइव एंड वन फिफ्टी सो बेसिकली हमारे पास चार ही आउटपुट्स हैं एनी वैल्यू बिटवीन जीरो टू सेवेंटी फाइव वो रिप्रजेंट होगी ज़ीरो वन से सो सिक्सटी वोल्ट हो तब भी ज़ीरो वन आएगा सेवेंटी हो तब भी ज़ीरो वन आएगा फिफ्टी हो तब भी जीरो वन आएगा इसी तरह अगर वन वन आ रहा है तो वो बेसिकली इनपुट वैल्यू रिप्रजेंट कर रहा है वन फिफ्टी से लेकर टू ट्वेंटी के दरमियान सो so, वन सिक्सटी होगा तब भी वन वन आएगा वन सेवेंटी हो तब भी वन वन आएगा वन हंड्रेड एट्टी फाइव हो तब भी वन वन आएगा सो so, बेसिकली जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो जो एक्चुअल इनपुट सिग्नल है जो जीरो से टू ट्वेंटी वोल्ट तक जा रहा है वो एक्रेटली एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं हो रहा सो so, इसको एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करने के लिए आप बेसिकली क्या करेंगे जो ए टू डी कन्वर्टर का आउटपुट है उधर आप ज़्यादा बिट्स अगर इस्तेमाल करें लेट अस सपोज के चार से आठ बिट्स हो गई हैं सो बेसिकली वो एक्यूरेसी आप बढ़ा रहे हैं सो दैट मीन्स बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बेट्स क्वान्टाइजेशन लेवल्स बढ़ा रहे हैं उस रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती जा रही है आइए देखते हैं ये डायग्राम और इसको एक्सप्लेन करते हैं इन क्वांटाइजेशन लेवल्स को और इनकी मदद से हमारे आउटपुट जो है वो कैसे ज्यादा एक्यूरेट और कैसे इम्प्रूव हो रहा है डायग्राम में एक एनालॉग सिग्नल दिखाया गया और हमारे पास चार क्वांटाइजेशन लेवल्स हैं दैट मीन्स आउटपुट पे दो पिट्स हैं सो so, इस इनपुट एनालॉग सिग्नल को अगर हम आउटपुट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन डिजिटल फॉर्मेट तो चार स्टेप्स में होगा नीचे टेबल में अगर आप देखें सैम्पलिंग इंटरवल्स वन से लेके थर्टीन तक जो क्वांटाइजेशन लेवल्स हैं वो वन टू थ्री थ्री टू 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 थ्री और फिर फोर 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 एंड थ्री आउटपुट जो कोड आ रहा है वो पहली क्वांटाइजेशन लेवल जो वन है वो रिप्रेजेंट होगा जीरो जीरो से सेकेंड जो क्वांटाइजेशन लेवल है टू है वो रिप्रेजेंट होगा जीरो वन से इसी तरह जो तीसरी क्वांटाइजेशन लेवल है वो वन जीरो से रिप्रेजेंट हो रही है सो बेसिकली ये जो इनपुट सिग्नल है उसका आउटपुट जो है टू बिट फॉर्मेट में आ रहा है अब इसको देखते हैं कि ये कितना करीब है इनिशियल सिग्नल के इनिशियल जो एनोलॉग वैल्यू है नेक्स्ट डायग्राम में जो आउटपुट पे हमें डिजिटाइज सिग्नल मिल रहा है उसको प्लॉट किया गया है और जो ओरिजिनल सिग्नल था एनोलॉग जो है वो भी साथ में दिखाया गया जैसा कि आपको नजर आ रहा है काफी फर्क है ड्यू टू दी स्मॉल नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल्स अगर हम क्वांटाइजेशन लेवल्स को बढ़ा दें तो जैसे हमने पहले बताया आउटपुट जो सिग्नल है वो ज्यादा एक्यूरेट होगा और वो जो इनिशियल इनपुट एनोलॉग सिग्नल है उसको रिजेंबल uh, करेगा तो आइए देखते हैं क्वांटाइजेशन लेवल्स को बढ़ाने से क्या फर्क पड़ रहा है इस डायग्राम में इनपुट सिग्नल जो एनोलाग सिग्नल है वो वही है हमने क्वांटाइजेशन लेवल्स जो हैं वो चार से बढ़ा के सोलह कर दिए हैं दैट मीन्स आउटपुट में हमारे पास फोर पेड्स हैं तो वो सिक्सटीन डिफरेंट लेवल्स या वैल्यूज रिप्रेजेंट कर सकते हैं नीचे टेबल में हमने सैम्पलिंग से लेके तक क्वांटाइजेशन लेवल्स लिखी हुई हैं सो एंड 11 इन डिफरेंट क्वांटाइजेशन लेवल्स को आउटपुट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिट कोड से सो so, जो पहली क्वांटाइजेशन लेवल है टू वो रिप्रेजेंट हो रही है जीरो 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 वन से नेक्स्ट जो सिक्स है वो जीरो वन जीरो देखते हैं इस आउटपुट जो कोड है ये जो फोर बेट आउटपुट कोड है इसकी मदद से अगर हम आउटपुट में सिग्नल दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करें तो वो कितना क्लोजली रिजेंबल कर रहे ओरिजिनल इनपुट एनालॉग सिग्नल से आउटपुट में ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल दिखाया गया है और आउटपुट सिग्नल दिखाया गया है जो कि 16 क्वांटाइजेशन लेवल की मदद से रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है जैसा कि इधर नज़र आ रहा है जो आउटपुट सिग्नल है वो काफी मिलता जुलता है ओरिजिनल इनपुट सिग्नल से सो बाय इंक्रीजिंग द क्वांटाइजेशन लेवल्स जो एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव हो रही है अभी हमने देखा कि क्वांटाइजेशन लेवल को बढ़ाने से आउटपुट सिग्नल पे क्या फ़र्क पड़ रहा है बेसिकली जो ही आप बिट्स नंबर ऑफ बिट्स बढ़ाएंगे ए टू डी कन्वर्टर के आउटपुट पे क्वांटाइजेशन लेवल्स आपने बेसिकली बढ़ा दिए और जो आउटपुट सिग्नल है वो क्लोजली रिजेंबल करेगा इनपुट एनालॉग सिग्नल से नेक्स्ट चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है वो बेसिकली है ऑप एम्प्स हर ए टू डी कन्वर्टर में एक ऑप एम्प लगा होता है ऑप एम्प बेसिकली क्या है एक एम्पलीफायर है जिसके इनपुट पे हम सिग्नल अप्लाई करते हैं आउटपुट पे एम्पलीफाइड आउटपुट होगा ऑप एम्प जो है एक बड़ी वर्सटाइल किस्म की चीज़ है उसको हम कन्फिगर कर सकते हैं इन टू ए कॉम्परेटर एज एन एडर बना सकते हैं एज एन इंटीग्रेटर बना सकते हैं सो ऑप एम्प इन डिफरेंट हम ए टू डी कन्वर्टर्स देखेंगे उनमें इस्तेमाल हो रहा है ऑप ऑपएम के दो इनपुट्स होते हैं एक को कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट और दूसरे को कहते हैं इन्वर्टिंग इनपुट और एक आउटपुट होता है सो so, अगर कॉम्परेटर के तौर पे इस ऑप एम को हमने कनेक्ट करना है तो डिपेंड करता है कि जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे सिग्नल क्या है आउटपुट जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है उस पर क्या सिग्नल है सो so, अगर इन्वर्टिंग इनपुट पे सिग्नल की स्ट्रेंथ ज़्यादा है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे तो आउटपुट जो है वो ज़ीरो होगा अगर नॉन इन्वर्टिंग सिग्नल की इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ ज़्यादा है इन्वर्टिंग इनपुट सिग्नल से तो आउटपुट वन होगा इसी तरह हम कुछ इनपुट पे रजिस्टर्ड नेटवर्क लगा के उसको एज एडर हम uh, बना सकते हैं यूज़ कर सकते हैं एम्पलीफायर के तौर पे बेसिकली हम एक फीडबैक रजिस्टर लगाएंगे और उसकी हम आउटपुट जो है वो डिपेंड करेगी इनपुट वैल्यू पे जो हमने सिग्नल अप्लाई किया और जो जो रजिस्टर्स हमने जोड़े हैं उस पर डिपेंड करेगी सो so, आइए देखते हैं इस ऑप एम्प सर्किट को और ये जो दो बेसिक कॉन्फिग्रेशन हैं एज एन एम्पलीफायर और जो है एज ए कॉम्परेटर ये कैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बाद हम देखेंगे एक्चुअल ए टू डी कन्वर्टर्स और ए टू डी कन्वर्टर्स कैसे इन ऑप एम्प्स को यूज़ करके इन्फॉमेशन को एनलाउट फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं डायग्राम में एक ऑप एम्प का सिंबल दिखाया गया एक ट्रेंगुलर शेप है इसके दो इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है एक इनपुट जो है उसको इन्वर्टिंग इनपुट कह रहे हैं जहां माइनस साइन लगा हुआ है और दूसरा जो इनपुट है उसको नॉन इन्वर्टिंग इनपुट कहेंगे जहाँ प्लस साइन है सेकेंड डायग्राम में ऑप एम्प को यूज किया हुआ है एज एन इनवर्टिंग एम्पलीफायर जैसा कि डायग्राम में नजर आ रहा है एक आर एफ फीडबैक रजिस्टर लगाया हुआ है जो कि आउटपुट के साथ कनेक्टेड है और दूसरा टर्मिनल जो है इसका इनवर्टिंग इनपुट के साथ कनेक्टेड है इन्वर्टिंग इनपुट के साथ एक सीरीज में हमने एक आर आई इनपुट रजिस्टर लगाया हुआ है जिसके एक टर्मिनल पे हम इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है उसको हमने ग्राउंड किया हुआ है बेसिकली ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है दैट मीन्स आउटपुट जो है वो नेगेटिव आएगी और जो आउटपुट है वो डिफाइन हो रही है एक्सप्रेशन से वी आउट डिवाइड बाई वी इन इज इक्वल टू माइनस आर एफ बाई आर एन सो बेसिकली कितने मैग्नीट्यूड से इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है रेजिस्टर की वैल्यूज पे सो आर एफ डिवाइड बाय आर आई तीसरा जो डायग्राम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑप एम्प को एज ए कॉम्परेटिव सर्किट सो दो सिग्नल्स दो इनपुट सिग्नल्स हम अप्लाई कर रहे हैं ऑप एम्प के इनपुट पे वी इन वन जो है अप्लाई किया है इन्वर्टिंग इनपुट पे और वी इन टू सिग्नल जो है वो अप्लाई किया है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे जैसे कि हमने बताया कि डिपेंड करता है इन दोनों सिग्नल्स की मैग्नीट्यूड क्या है अगर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे जो वी इन टू सिग्नल अप्लाई किया वो हाई है एज कम्पेयर टू वी इन वन सिग्नल तो आउटपुट जो है वो हाई हो जाएगी इसी तरह अगर वी इन वन सिग्नल जो कि इन्वर्टिंग इनपुट पे अप्लाई किया है वो हाई है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है एज कम्पेयर टू वी इन टू सिग्नल सो आउटपुट जो है लॉजिक जीरो पे सेट हो जाएगी सो तो दोनों किस्म की जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं एज एन इनवर्टिंग एम्पलीफायर एंड एज ए कॉम्परेटर ये हम ए टू डी कन्वर्टर्स में यूज कर रहे हैं अभी हमने एक ओपम को देखा उसको कॉन्फ़िगर किया एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और उसको कॉन्फ़िगर किया एज ए कॉम्परेटर जैसे कि हमने बताया ये दोनों कन्फिगरेशन जो हैं हम डिफरेंट ए टू डी कन्वर्टर्स में यूज करते हैं आइए डिस्कस करते हैं पहला जो है ए टू डी कन्वर्टर जिसको हम कहते हैं फ्लैश ए टू डी कन्वर्टर बेसिकली फ्लैश ए टू डी कन्वर्टर जो है इसका जो कन्वर्जन टाइम है ये फास्टेस्ट है बहुत तेज़ी से ये इन्फॉर्मेशन पैरल में कन्वर्ट करता है इनटू डिजिटल फॉर्मेट बाकी जितने भी ए टू डी कन्वर्टर्स हैं वो इससे स्लो हैं सो हाई स्पीड एप्लीकेशंस में ये यूज़ होता है uh, जैसे हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में कि इसके सर्किट में बहुत सारे ओप्स यूज करते हैं और उनको कन्फिगर किया हुआ है एज़ कंपेटर्स सो अगर आपके पास फोर बेट uh, uh, जो है फ्लैश uh, कन्वर्टर है तो उसमें कुछ ऑप एम्प लगेंगे अगर नंबर ऑफ बिट्स बढ़ा दें तो ऑप एम्प्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी सो so बेसिकली जितना साइज जो क्वांटाइजेशन लेवल्स हैं या क्वांटाइजेशन बिट्स हैं उनको बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ ऑप एम्प जो हैं वो बढ़ जाएंगे जिससे सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी सो ये बेसिकली ए टू डी कन्वर्टर जो हैं एक्सपेंसिव भी होते हैं सो so आइए पहले समझते हैं कि ये बेसिकली काम कैसे करता है फ्लैश uh, कन्वर्टर के डिफरेंट पार्ट्स हैं बेसिकली एक रजिस्टर नेटवर्क है इक्वल वैल्यू रजिस्टर्स हैं वो आपस में सीरीज में जोड़े हुए हैं एक एंड पे उसको कह लेते हैं टॉप एंड उधर हम एक रेफरेंस वोल्टेज अप्लाई करते हैं और जो नीचे वाला एंड है इस रजिस्टर नेटवर्क का उसको हम ग्राउंड कर देते हैं सो लेट इज सपोज के हमारे पास आठ रजिस्टर्स हैं ऑफ़ इक्वल वैल्यू कह देते हैं आर सो so, आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं ऊपर जो है हमने वी रेफरेंस एट वोल्ट लेटर जो है हमारी reference voltage है वो की है हमारी रेफरेंस वोल्टेज वो अप्लाई की और नीचे वाला जो एंड है उसको हमने ग्राउंड कर दिया सो so, अगर हम मैयर करें वोल्टेज हर रजिस्टर सबसे नीचे वाला जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस जो है वन वोल्ट होगी उसके ऊपर वाला जो रजिस्टर है टू वोल्ट इस तरह थ्री वोल्ट फोर वोल्ट सबसे ऊपर जो रजिस्टर है उस पर अगर हम वोल्टेज मैयर करें तो उधर आठ वोल्ट हमारे पास अवेलेबल होगा हमारे पास सात कॉम्परेटर्स हैं जिनका एक एंड जो है बेसिकली आप नेगेटिव जो है इन्वर्टिंग uh, जो इनपुट टर्मिनल है वो हर रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है सो so, एक जो है सबसे नीचे वाला जो कंपरेटर है उसका इन्वर्टिंग इनपुट जो है पहले रजिस्टर के आउटपुट के साथ लगा हुआ है सो so, इधर जो है हम एक रेफरेंस वोल्टेज ऑफ वन वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं इसी तरह जो सेकंड वाला कंपरेटर है उसका इन्वर्टिंग इनपुट जो है सेकंड रजिस्टर के आउटपुट के साथ लगा हुआ है सो उधर हम टू वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं इसी तरह तीसरे कम्परेटर के साथ जो है हमने रेफरेंस वोल्टेज थ्री वोल्ट कनेक्ट किया एंड सो ऑन Uh, जो कम्परेटर का नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है इनफैक्ट उधर हम जो इनपुट सिग्नल है जो सैंपल एंड होल्ड किया है जिसको हमने कन्वर्ट करना है वो कनेक्ट किया हुआ है तो सारे कॉम्परेटर्स के जो पॉजिटिव इनपुट्स हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स उनके साथ हमने सैंपल एंड होल्ड सिग्नल को कनेक्ट किया हुआ है अब बेसिकली इसको समझते हैं कि ये कॉम्परेटर्स अब काम कैसे करेंगे लेट इज़ सपोज के जो सैंपल एंड होल्ड सिग्नल है जिसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसकी वैल्यू है फाइव वोल्ट So, सबसे नीचे वाला जो कंप्रेटर है जिसके एक इनपुट पे फाइव वोल्ट आ रहा है जो कि हमने सैंपल किया है वोल्ट सिग्नल जो है और दूसरा जो एंड है वो हमने रेफरेंस वोल्टेज वन के साथ कनेक्ट किया हुआ है सो क्योंकि हाई वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव नॉन इन्वर्टिंग एंड पे कनेक्टेड है सो so कंपरेटर का आउटपुट जो है वो हाई होगा लॉजिक वन होगा इसी तरह अगर दूसरा कम्परेटर उसको हम ले लें उसका एक जो एंड है जो इन्वर्टिंग एंड है उधर रेफरेंस वोल्टेज हमने टू वोल्ट कनेक्ट की हुई है और उसका जो नॉन इन्वर्टिंग एंड है उधर हमने वो जो सैम्पल सिग्नल है फाइव वोल्ट वो कनेक्ट किया हुआ सो क्योंकि पॉजिटिव वोल्टेज जो है नॉन इन्वर्टिंग एन की वोल्टेज जो है इनपुट वोल्टेज है वो हाई है एज कंपेयर टू इन्वर्टिंग इनपुट वोल्टेज सो इस कंपरेटर का भी आउटपुट वन होगा इसी तरह जो तीसरा कंपरेटर है जिसके रेफरेंस वोल्टेज थ्री वोल्ट है और इनपुट वोल्टेज जो है सैम्पल होल्ट सिग्नल की वोल्टेज फाइव वोल्ट है इसका भी आउटपुट वन होगा इस तरह चौथा और पाँचवा कंपरेटर उनके भी आउटपुट वन होंगे छठा और सातवां जो कंपरेटर है उनकी क्योंकि जो रेफरेंस वोल्टेज है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द जो हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उन दोनों की आउटपुट जो है ज़ीरो ज़ीरो होगी सो बेसिकली सात कंपरेटर्स हमारे पास हैं पहले जो पांच हैं उनकी आउटपुट वन है जो आखिरी दो हैं उनकी आउटपुट ज़ीरो है बेसिकली कंपरेटर की जो आउटपुट है वो हम कनेक्ट कर रहे हैं एक प्रायोरिटी इनकोडर के साथ सो प्रायोरिटी इनकोडर जो है वो एट इंटू बेसिकली एट इनपुट्स हैं और थ्री आउटपुट्स हैं सो सात हमारे पास कंपरेटर्स हैं उन सात सात जो आउटपुट्स हैं वो सात इनपुट्स जो हैं प्रायोरिटी इनकोडर के उनके साथ हमने कनेक्ट की गई है जो आखिरी वाला इनपुट है प्रायोरिटी इनकोडर का उसको हमने ग्राउंड कर दिया हुआ है। अब बेसिकली प्रायोरिटी इनकोडर को अगर हम समझें डिपेंड करता है कि इनपुट कौन सा एक्टिव है तो जो हाई प्रायोरिटी इनपुट एक्टिव होगा उस हिसाब से आउटपुट पे हमारे पास एक थ्री बिट कोड आ जाएगा सो so, अगर हम कंपरेटर्स को देखें पहले जो पांच थे उनके आउटपुट एक्टिव हैं और जो आखिरी दो कंपरेटर्स थे उनके आउटपुट जो हैं वो जीरो एंड जीरो हैं जो सातवां और छठा कम्परेटर है वो हाई प्रायोरिटी है इस तरह पांचवें की लेस प्रायोरिटी है चौथे की उससे भी लेस प्रायोरिटी है और जो आखिरी वाला कम्परेटर है उसके सबसे लो प्रायोरिटी है सो so, अगर हमारे पास एक एट टू थ्री प्रायोरिटी इनकोडर हो तो उसकी आउटपुट जो है वो डिपेंड करेगी कि हाइस्ट प्रायोरिटी इनपुट कौन सी है इस पर्टिकुलर केस में जो पांचवा कंपरेटर है उसकी आउटपुट जो है हाइस्ट प्रायोरिटी है सो बेसिकली आउटपुट पे हमारे पास जो थ्री बिट सिग्नल आएगा जो डिजिटाइज सिग्नल आएगा वो होगा वन जीरो वन जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि फिफ्थ इनपुट जो है प्रायोरिटी इनकोलर का वो सिलेक्ट किया गया सो so बेसिकली हमारे पास इनिशल जो सिग्नल था वो फाइव वोल्ट था जो सैंपल एंड होल्ड सिग्नल था वो हमने अप्लाई किया कॉम्परेटर्स ने आउटपुट अपना चेंज किया कॉम्परेटर्स का आउटपुट जो है हम एक प्रायोरिटी इनकोलर में फीड कर रहे हैं

रजिस्टर के आउटपुट जो हैं वो कंप्रेटर्स के इनपुट के साथ लगे हुए हैं जो इन्वर्टिंग इनपुट्स हैं कंपरेटर के उनके साथ कनेक्टेड है सो सात कंप्रेटर्स दिखाए गए हैं सबसे नीचे वाला जो कंपरेटर है उसके इन्वर्टिंग इनपुट के साथ जो सबसे वाला नीचे रजिस्टर है उसके क्रॉस जो भी वोल्टेज है वो कनेक्टेड है इस तरह उसके ऊपर जो कंपरेटर है उधर जो रेफरेंस वोल्टेज है वो डिपेंड करता है जो नीचे वाले दो रजिस्टर पर जो भी वोल्टेज है वो कनेक्ट की हुई है और इसी तरह बाकी कंपरेटर्स के साथ जो इनपुट सिग्नल है जो कि सैंपल एंड होल्ड सिग्नल है जो कि एनोलाग सिग्नल को हमने सैंपल किया था वो हम अप्लाई कर रहे हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे सारे कॉम्परेटर सर्किट के साथ सो so, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है जो सैंपल एंड होल्ड सिग्नल है वो कनेक्टेड है सारे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट सारे कॉम्परेटर्स सा. के, के, के साथ कम्प्रेटर्स के जो आउटपुट हैं वो सात आउटपुट्स हैं वो प्रायोरिटी इनकोडर के इनपुट के साथ कनेक्टेड हैं प्रायोरिटी इनकोडर का जो आठवां इनपुट है उसको हमने ग्राउंड किया हुआ है प्रायोरिटी इनकोडर के तीन आउटपुट्स हैं क्योंकि ये एट इंटू थ्री इनकोडर है और सबसे नीचे एक इनेबल सिग्नल दिखाया गया है सो so, जो ही हमने एक इनपुट सिग्नल अप्लाई किया कंपरेटर जो हैं अकॉर्डिंगली जीरो या वन आउटपुट करेंगे डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ एंड होल्ड सिग्नल हम इनेबल कर देंगे प्रायोरिटी इनकोडर को तो जो भी इनपुट में वैल्यू होगी अकॉर्डिंगली एक थ्री बेट आउटपुट कोड जनरेट हो जाएगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा सिग्नल को अब इसी तरह नेक्स्ट जो सैम्पल एंड होल्ड सिग्नल है उसको कन्वर्ट करना है नेक्स्ट हम सैम्पल एंड होल्ड सिग्नल है वो अप्लाई करेंगे अगेन इनेबल सिग्नल को एक्टिवेट करेंगे प्रायोरिटी इनकोडर जो है अगेन एक नई वैल्यू जो है जो उसके इनपुट पे अप्लाई हो रही है वो कन्वर्ट कर देगा हमारे पास एक नया थ्री बेट आउटपुट आ जाएगा डिपेंडिंग ऑन दिनिशियल इनपुट सैंपल एंड होल्ड सिग्नल आई देखते हैं फ्लैश कन्वर्टर का टाइमिंग डाय टाइमिंग डायग्राम में नीचे इनेबल पल्स दिखाई गई ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट टाइमिंग इंटरवल्स पे जब ये फ्लैश कन्वर्टर जो है इनपुट सैंपल एंड होल्ड सिग्नल को कन्वर्ट कर रहा है सो एनालॉग इनपुट वोल्टेज जो है जो सैंपल हुई हुई है और होल्ड है वो दिखाई गई है सो so पहले इंटरवल में फोर एंड फाइव के दरमियान है उसके बाद सिक्स एंड सेवन के दरमियान है उसके बाद सेवन एंड एट के दरमियान एंड सो ऑन सो हर इंटरवल पे हम इनेबल जो पल्स है वो अप्लाई कर रहे हैं और जो फ्लैश uh, कन्वर्टर है वो उसको चेंज कर रहा है इन टू थ्री बेट आउटपुट दूसरा जो टाइमिंग डायग्राम दिखाया गया है वो दिखा रहा है हमें आउटपुट पे क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है हर इनेबल पल्स पे पर so, पहले इनेबल पल्स पे आउटपुट पर हमारे पास फोर आ रहा है ये डिपेंड कर रहा है जो इनिशियल सिग्नल था इस तरह सेकंड इनेबल पल्स पे हमें एक नई आउटपुट मिल रही है जो कि सिक्स है अगेन ये डिपेंड कर रही है इनिशियल सैम्पल पे एंड सो ऑन सो इधर डिफरेंट सैम्पल्स दिखाए गए हैं फॉर ट्वेल्व टाइम इंटरवल्स अभी हमने फ्लैश कन्वर्टर को देखा है बेसिकली इसमें बहुत सारे ओप एम्प्स यूज़ हो रहे हैं जो कि एज़ कंपरेटर कन्फिगर किए हुए हैं जैसे कि डायग्राम से जाहिर है अगर हम फ्लैश कन्वर्टर जो है उसको थ्री बिट्स से सिक्स बिट्स में बढ़ा दें उसमें तो जो कंपरेटर्स हैं वो डबल हो रहे हैं इसी तरह मज़ीद हम आउटपुट बिट्स जो बढ़ाएं क्वांटाइजेशन लेवल बढ़ाएं तो मज़ीद आपके जो हैं कॉम्परेटर सर्किट जो हैं वो बढ़ रहे हैं कॉम्प्रेटर सर्किट बेसिकली कॉम्प्लेक्स सर्किट हैं जो काफ़ी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं सो यू कैन नॉट गो बियॉन्ड सर्टन लिमिट सर्टन कॉन्टाइजेशन लेवल आइए अब आप एक दूसरा हम uh, जो है ए टू डी कन्वर्टर डिस्कस करते हैं ड्यूल स्लोप ए टू डी कन्वर्टर ड्यूल स्लोप ए टू डी कन्वर्टर जो है वो स्लो है एज कंपेयर टू द फ्लैश कन्वर्टर सो बेसिकली ये हाई स्पीड अपलिकेशन में जाहिर है इस्तेमाल नहीं होगा ये बेसिकली इस्तेमाल होता है आपके डिजिटल वोल्ट मीटर्स जो हैं और दूसरे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें इस्तेमाल होता है ड्यूल स्लोप क्यों कहते हैं वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे बेसिकली हम जो है एक इंटीग्रेटर हम इस्तेमाल करते हैं जो कि हम इसी ऑप एम्प को कॉन्फ़िगर किया हुआ एज एन इंटीग्रेटर इसमें हम इनिशियली जो है जब हम इनपुट वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू डिजिटल वैल्यू तो एक स्लोप वोल्टेज स्लोप होगा जो नेगेटिव स्लोप होगा और उसके थोड़े देर बाद ये सर्किट खुद ही स्विच करेगा और एक पॉजिटिव गोइंग स्लोप जनरेट करेगा तो इसलिए हम कहते हैं कि ड्यूल स्लोप बेसिकली दो स्लोप्स जनरेट कर रहा होता है कन्वर्जन के लिए सो so आइए देखते हैं इसका सर्किट डायाग्राम और सर्किट डाइग्राम की मदद से इस सर्किट के ऑपरेशन को समझते हैं ड्यूल स्लोप ए टू डी कन्वर्टर का सर्किट डाइग्राम दिखाया गया है लेफ्ट हैंड साइड पे एक स्विच है इसका एक जो इनपुट है वो एनोलॉग इनपुट वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है बेसिकली जो सैंपल जो है जिसको हमने डिजिटाइज करना है और नीचे जो है दूसरा एंड जो है स्विच का वो एक नेगेटिव वी रेफरेंस वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है सो इनिशियली बेसिकली जो स्विच है वो एनोलाग इनपुट वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है स्विच के राइट हैंड साइड पे एक ऑप लगा हुआ है जिसको हमने कनेक्ट किया है एज एन इंटीग्रेटर या एज ए रैम्प जनरेटर ये बेसिकली इसके आउटपुट पे एक कांस्टेंट वोल्टेज सिग्नल प्रोड्यूस होगा इस कंप्रेटर के या इस इंटीग्रेटर के इनपुट पे एक रजिस्टर लगाया हुआ है और एक फीडबैक कैपेसिटर लगाया हुआ है जो पॉजिटिव इसका जो एंड है उसको हमने ग्राउंड किया हुआ है जो ही हम स्विच को एनोलॉग इनपुट के साथ कनेक्ट करते हैं एक करंट फ्लो होगा जो कि इस कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देगा रेजिस्टर का जो एंड इस इंटीग्रेटर सर्किट के साथ कनेक्टेड है वो बेसिकली ग्राउंड वोल्टेज पे है सो so कैपेसिटर का जो एंड हमने आउटपुट के साथ कनेक्ट किया हुआ है वो नेगेटिव की तरफ जाना शुरू हो जाएगा दैट मीन्स आउटपुट जो वोल्टेज है वो जीरो से नेगेटिव की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी बेसिकली ये कैपेसिटर जो है थोड़ी देर में जो इनपुट वोल्टेज है उस वैल्यू तक चार्ज हो जाएगा इंटीग्रेटर सर्किट के राइट right साइड पे एक कंपरेटर दिखाया गया है जिसका एक पॉजिटिव एंड जो है वो ग्राउंड किया हुआ है और नेगेटिव एंड जो है वो इंटीग्रेटर के आउटपुट के साथ कनेक्टेड है जैसा कि हमने कंपरेटर को पहले एक्सप्लेन किया था अगर नेगेटिव जो इनपुट सिग्नल है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो पॉजिटिव इनपुट सिग्नल से सो so इसका आउटपुट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और इस तरह अगर पॉजिटिव सिग्नल वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव इनपुट सिग्नल के तो इसका आउटपुट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा सो so, जो ही इनपुट वोल्टेज हमने अप्लाई की जो इंटीग्रेटर का आउटपुट है वो ज़ीरो से नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा कंपरेटर का जो पॉजिटिव इनपुट सिग्नल है वो ग्राउंड के साथ है और जो नेगेटिव इनपुट सिग्नल है वो आउटपुट के साथ है जो कि नेगेटिव हो गया या कम हो गया एज कम्पेयर टू दी पॉजिटिव इनपुट सिग्नल दैट मीन्स कंपरेटर का जो आउटपुट है वो हाई हो जाएगा जब हाई होगा तो उसके साथ जो एंड गेट कनेक्टेड है उसको इनेबल कर देगा एंड गेट का जो दूसरा इनपुट है वो एक क्लॉक सिग्नल के साथ लगा हुआ है दैट मीनस क्लॉक सिग्नल जो है वो एंड गेट के आउटपुट पे अवेलेबल हो जाएगी इसी तरह जब कंपरेटर का आउटपुट हाई होगा नीचे कंट्रोल लॉजिक सर्किटरी है उसको ट्रिगर कर देगी काउंटर जो है वो रीसेट हो जाएगा जो ही कंट्रोल सिग्नल कंट्रोल लॉजिक के पास वो पल्स मिलेगा काउंटर को जीरो 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 पे सेट कर देगा क्लॉक सिग्नल्स की वजह से काउंटर जो है इंक्रीमेंट करना शुरू हो जाएगा अब ये काउंटर जो है कितने काउंट वैल्यू तक इंक्रीमेंट करेगा ये डिपेंड कर रहा है कि ये फोर बिट काउंटर है या एट बिट काउंटर है सो so, अगर एन बिट काउंटर है तो एन बिट्स तक ये काउंट अप करेगा अब जो ही ये अपने टर्मिनल काउंट तक पहुंच जाता है तो ये वापस रीसाइकल होके जीरो 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 पर आएगा सो बेसिकली टर्मिनल काउंट पे ये काउंटर जो है एक पल्स भेजेगा कंट्रोल लॉजिक सर्किट को कंट्रोल लॉजिक जो सर्किट है वो एक स्विच सिग्नल भेजेगा जो कि स्विच को एनोलॉग इनपुट से चेंज करके माइनस वी रेफरेंस के साथ कनेक्ट कर देगा जो ही स्विच माइनस वी रेफरेंस के साथ कनेक्ट होगा इनपुट सिग्नल जो है उसकी थ्रू उसके थ्रू करंट जो है जो चार्ज कर रहे थे कैपेसिटर को वो स्टॉप हो जाएगा और कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज करना शुरू हो जाएगा क्योंकि वी रेफरेंस जो है वो नेगेटिव है सो so, जो ही कैपेसिटर डिस्चार्ज करेगा जो इंटीग्रेटर सर्किट का आउटपुट है जो कि कुछ नेगेटिव वोल्टेज तक पहुंचा हुआ जो के है जो कि इक्विवेलेंट है इनपुट जो सैम्पल सिग्नल था उससे जीरो की तरफ भरना शुरू हो जाएगा जो ही कंपरेटर का नेगेटिव इनपुट जो है वो ज़ीरो पे पहुंचेगा पॉजिटिव इनपुट क्योंकि जीरो है कंपरेटर का आउटपुट जीरो हो जाएगा जो ही जीरो होगा क्लॉक सिग्नल जो है वो डिसेबल हो जाएगा क्योंकि एंड गेट का इनपुट जो है वो डिसेबल हो रहा है सो क्लॉक सिग्नल जो ही डिसेबल होगा काउंटर जो है काउंट करना बंद हो जाएगा इसको अगर आप वापस जाके हम दोबारा से समझें जब काउंटर जो है अपने टर्मिनल काउंट पे पहुंचता है तो उधर से दोबारा काउंट अपना जीरो 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 वैल्यू से शुरू कर देता है सो so, उसी इंस्टेंट में हमने स्विच को माइनस वी रेफरेंस के साथ कनेक्ट कर दिया है सो so बेसिकली अगर आप इस पर गौर करें काउंटर जो है काउंट करेगा जीरो वैल्यू से कुछ एन काउंट तक डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी जो है कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है और इंटीग्रेटर का आउटपुट जो है वो ज़ीरो पे आ रहा है बेसिकली ये डिपेंड करेगा कि एनालॉग इनपुट जो वैल्यू है वो क्या वैल्यू थी अगर लेथ से टू वोल्ट थी तो कैपेसिटर टू वोल्ट के लिए चार्ज हुआ है तो वापस टू वोल्ट से ज़ीरो पर आना थोड़ा टाइम लेगा अगर इनपुट वैल्यू जो है जो सैंपल है वो फाइव वोल्ट था कैपेसिटर फाइव वोल्ट पे चार्ज हुआ है सो so फाइव वोल्ट से वापस जीरो वोल्ट पे आने के लिए ज़्यादा टाइम लेगा दैट मीन्स काउंटर जो है वो ज़्यादा देर तक काउंट करेगा टू वोल्ट के केस में काउंटर जो है कम काउंट करेगा सो बेसिकली जब कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाता है जीरो वोल्ट पे आ जाता है कंपरेटर जो है अगेन एक पल्स भेजेगा कंट्रोल लॉजिक जो है जो भी काउंटर पे इंफॉर्मेशन है उसको लैच कर देगा और लैच पे जो भी इंफॉर्मेशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनपुट सिग्नल का डिजिटाइज वर्जन आज हमने लेक्चर में दो एनोलॉग टू डिजिटल कन्वर्टर देखे फ्लैश कन्वर्टर और ड्यूल स्लोप कन्वर्टर एक आखिरी जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सक्सेसिव अप्रॉक्सिमेशन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे खुदा हाफिज अस्सलाम वालेकुम